राजस्थान क्वेटा से ताल्लुक रखती हो? आई एम अलीना खान फ्रॉम कराची. मेरा नाम मोहम्मद हमजा खालिद, मैं इस्लामाबाद से हूँ. मेरा नाम मोहम्मद आफाक है और मैं वजीरिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ. मैं गिलगित पाकिस्तान से आई हूँ. इट्स मरियम साबिर एंड आई एम फ्रॉम आजाद कश्मीर. सो टुडे वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास ऑन लाइक वेट ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लीडरशिप. एंड द वन थिंग दैट आई लर्नड इज दैट इफ यू हैव द राइट इंटेंशन, एनीथिंग दैट यू सेट आउट टू डू इज, इवन इफ इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इवन इफ यू थिंक इट कांट बी डन, बट इफ यू हैव द राइट इंटेंशन द यूनिवर्स विल मेक इट हैपन. इस सेशन में मुझे पता यह चला कि असल में जिस चेजिंग सोन लेपर्ड का जो मकसद था वो असल में वो लेपर्ड मैं हूँ जिसको चेज करना था. यानी मुझे खुद अपने अंदरूनी मुझे खुद को समझना था. तो सबसे बड़ा जो मकसद था कि भाई हम अपने आप में किस तरह बेहतरी ला सकते हैं, और इसके लिए सबसे पहले हम अपने आप को समझना. मारूफ महमूद, आई एम द हेड फीमेल यूनिट ऑफ CSL. बिफोर दिस वी वर हैविंग अ सेशन गो गर्ल्स विद द गर्ल्स ऑफ CSL. दैट वाज एन ऑल गर्ल्स मीटिंग इन विच वी डिस्कस्ड द फीमेल कंसर्न्स अबाउट विल्डरनेस एंड ऑल, बिकॉज इफ देयर पेरेंट्स हैव गिवन देम परमिशन बीइंग फीमेल्स टू ट्रैवल टू दिस प्लेस विच इज़ फार फार अवे फ्रॉम देयर होम्स, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम एज वेल. राइट नाउ वी आर इन द सेकंड डे ऑफ चेजिंग स्नो लेपर्ड एंड ऑल दीज पार्टिसिपेंट्स कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. They are going through certain challenges जहाँ पे इन्होंने as a team काम करते हुए under the leadership of certain young participants they have to face some certain challenges and they have to construct something. Right now their challenge is this igloo competition and the two teams they are working on it, and primarily the objective of all these exercises through adventure, through snow and this environment is to provide them an opportunity to lead people, make decisions, develop teams, solve the problem, and then through intense review and feedback session they ultimately learn what are their strengths and weaknesses in terms of leadership, and ultimately they become better humans, better leaders. Thank you. समझा कि जो चेजिंग स्नो लेपर्ड है उसमें जो स्नो लेपर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है और ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो एक जानवर में होते हुए इंसान में भी होनी चाहिए. तो उसमें सबसे पहले जो मैंने चीज़ सीखी वो एजिलिटी थी, मतलब फुर्ती होनी चाहिए आपके अंदर. और बी ए का लीडर यू शुड बी वेरी मच, आपको बहुत ज़्यादा होशियार रहना चाहिए तमाम तरीकों से और हर चीज़ से. दूसरा ये कि आपको ना एडॉप्टेबल होना चाहिए, जो चीज़ हो ना आपके, जो आपको जो माशरा जो जैसा माशरा होता है ना आपको उसको अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन इस तरह से अडॉप्ट करना चाहिए कि आप जो हो अपने अपने ऑब्जेक्टिव को ही अचीव करो, जिस तरह से एक तरफ से ना उसे लाइफ में अचीव करो. और जूते स्लिप कर रहे हैं, मुझे ये डर है मैं गिर ना जाऊं. ऑलरेडी 3 मिनट नीचे जा चुके हैं, अब हमें 30 सेकंड की ब्रेक मिली है. We are done with the hike. बहुत मजा आया. It was a challenge for ourselves. हमने complete किया together. We win together. हारा नहीं, हम जीत के आए. It was मुश्किल, बहुत मुश्किल था, पर नामुमकिन नहीं था. हम उस चैलेंज को हरा के आए हैं. और इसी तरह ज़िंदगी में भी मुश्किलात होती हैं. दैट आर नॉट द एंड ऑफ लाइफ. हमने आगे बढ़ना होता है, डिसीजन लेना होता है, कुछ डिसीजन. सो आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई लाइक यूथ इम्पैक्ट जस्ट फॉर द रीज़न दे हैव गन्स एंड रोज़ेस सेशन. दिस इज़ एक्चुअली शोइंग द रियल फेस. हम लोग जो मरवत के नाम पे जो है ना झूठ बोलते हैं और फिर किसी एक के सामने मुंह पे बात नहीं करते, बल्कि उसकी पीठ पीछे जाके गिबत करते हैं. सो कल मुझे जब फीडबैक से सुनने के बाद पहले तो बड़ा गुस्सा आया, सब ऐसे ऐसे मिस्टेक बता रहे थे कि मैं क्या करूँ. बट यार फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई नीड टू वर्क ऑन, यू नो. इसीलिए शायद मैं आया था. माय डेस्टिनी वाज टू नो अबाउट माय मिस्टेक. आई वाज क्वाइट हैप्पी विद द फीडबैक. आई वाज हैप्पी बिकॉज my fellow participants were quite honest, and that honesty will help me improve myself. They all were so honest ki aapko kya karna chahiye, wo sab mujhe behtar banana cha rahe the. So I'll definitely work on it to improve myself.